देखिए एंटी अभ्यास टेस्ट 55, इसको हम देख रहे हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है मेरा, ये लेटेस्ट टेस्ट है, आज ही यानी आज की डेट में हुआ है। आइडेंटिफाई द इशू दैट कॉमनली, क्वेश्चन नंबर 90 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई द टिश्यू दैट कॉमनली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बीइंग सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम। तो देखिए ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, क्या फ्रेमवर्क ऑफ एपिथीलियम, ये इससे रिलेटेड एनसीईआरटी की ये इम्पोर्टेंट लाइन और इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो बिल्कुल एज इट इज़ लिखा है, एरियोलर टिश्यू फ्रेमवर्क ऑफ एपिथीलियम का ये काम करता है। तब इसमें ये भी याद रखना है कि फ्रेमवर्क कौन सी एपिथीलियम का करता है, तो वहाँ पर एनसीईआरटी में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये स्किन के लिए फ्रेमवर्क का फंक्शन कर रहा है, तब इसके अकॉर्डिंग आंसर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80, वायरसेस आर कंसीडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट रिप्रोड्यूसेस इनसाइड द होस्ट सेल, कैन मल्टीप्लाई आउटसाइड द होस्ट सेल। नहीं, बाहर तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। रेस्पॉन्ड टू टच स्टिमुलाई, बिल्कुल भी नहीं। रेस्पायर करते हैं क्या, नहीं करते हैं, लेकिन सेल के अंदर आने के बाद ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, इसलिए हम इनको लिविंग सेल मानते हैं। देखिए वायरस की ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब क्वेश्चन नंबर 82, इसको हम लेते हैं। रेप्लिकेशन इन ई कोलाई डीएनए स्टार्ट्स इन ए डेफिनेट रीजन नोन एज। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी में जो PBR-322 वाला पार्ट है, वहाँ से इसका आंसर हमें मिलेगा। जो भी प्लास्मिड्स होते हैं, उन प्लास्मिड्स में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसे हम प्लास्मिड्स कहते हैं, उसमें रेप्लिकेशन का ओरिजिन एक साइट से होता है, उस साइट को हम ओरी साइट नाम देते हैं। देखिए एक साइट यहाँ पर ओरी साइट है, ये एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओरी साइट, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन इसको देख रहे हैं, तो ओरी साइट यहाँ पर मौजूद है और इस ओरी साइट पर सबसे पहले रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो देखिए दोस्तों ये हम ओरी साइट की बात कर रहे हैं, तो ओरी साइट में ये क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक साइट होती है, इसे हम ओरी साइट नाम देते हैं। ठीक है, इस जगह पर एक साइट है, ये ओरी साइट कहलाएगी। तो ये पूरा का पूरा पार्ट एक PBR-322 उससे रिलेटेड एक स्ट्रक्चर है। तो आंसर इसका बी जो है वो करेक्ट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई एंड आंसर द एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज देम। देखिए पहला, थायरोकैल्सिटोनिन इज ए हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, यानी कैल्शियम लेवल को कम करता है थायरोकैल्सिटोनिन। ये बिल्कुल सही है, हाइपोकैल्सिमिक टिटैनी थायरोकैल्सिटोनिन की वजह से होती है ना, तो हाइपोकैल्सिमिक एक हार्मोन है, बिल्कुल ठीक है। इस्थमस इन द थायरॉयड इज़ ए थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी बिल्कुल सही है ना। याद करिए हमने थायरॉयड को किस तरह से बनाया था, ये थायरॉयड ग्लैंड इसमें इसके ये दो लोब्स हैं, ये वाला पार्ट कहलाता है इस्थमस, इस्थमस या इस्थमस, और ये लोब्स कहलाते हैं लेटरल, है ना, ये एक्टिव लोब्स हैं। एक्टिव से मतलब क्या है, यहाँ पर हार्मोन रिलीज करने से रिलेटेड सेल्स मिलेंगी, इस्थमस सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम है। तो बिल्कुल सही है। द ओवुलेशन, सी स्टेटमेंट क्या है, द ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इज मीडिएटेड बाय LH, बिल्कुल ठीक है, ये LH से ही मेंटेन होता है, मीडिएटेड होता है, और इस वजह से जो कंसंट्रेशन यहाँ पर डेवलप होती है उसे LH सर्ज नाम देते हैं।
द सोर्स ऑफ एफ एस एच एंड टी एस एच इज़ द सेम, बिल्कुल सही है। तब ये जो सोर्स है ये कहलाएंगी सेल्स गोनेडोट्रॉफ्स, गोनेडोट्रॉफ्स सेल से ये एफ एस एच और एल एच रिलीज होते हैं। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से कितने इनकरेक्ट हैं, एक भी नहीं है, तो सारे के सारे बिल्कुल सीख हैं, है ना। थायरोकैल्सिरोनिन वाला, इसमस वाला, ये सब एकदम करेक्ट हैं। तब करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में ए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट मेथेनोजेंस, दे आर आर्की बैक्टीरिया। इनकरेक्ट पहचानना है, देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट को अपने को पहले याद रख लेना है। दे आर आर्की बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। दे लिव इन मार्शी एरिया, तभी मेथेनोबैक्टीरिया इनको नाम दिया गया है। मीथेन इज देयर प्रीफर्ड कार्बन सोर्स, ये गड़बड़ हो गई है ना। दे परसिस्ट इन गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स, रूमिनेटिंग एनिमल्स, एंड दे प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम देयर डंग, बिल्कुल ठीक है, डंग से बायोगैस मिलती है, लेकिन मीथेन जो है इनका कार्बन सोर्स नहीं है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, कार्बन सोर्स तो हमेशा CO2 ही रहेगा, तो ये अलग बात है कि यहाँ पर ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तब करेक्ट ऑप्शन सी, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच सीक्रेट्स मेलेटोनिन इज लोकेटेड एट, अब देखिए मेलेटोनिन कहाँ से सीक्रेट होती है, सीक्रेट होगा पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड कहाँ पर मिलती है, डायन्सेफेलॉन की डॉर्सल साइड पर। ठीक है, तो देखिए फोरब्रेन में मिलती है क्या, बिल्कुल ठीक है, फोरब्रेन दो ऑप्शन में है, एक ए में और बी में, तो सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही माइनस हो गई। ठीक है, तब ये डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन में किसकी डॉर्सल साइड पर, डायन्सेफेलॉन, इसकी डॉर्सल साइड पर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहीं से इसका जो रूफ है डायन्सेफेलॉन का, उसको हम नाम देते हैं एपिथेलमस, वहाँ से एक स्टॉक निकलता है जिसको पीनियल स्टॉक कहते हैं। इस पीनियल स्टॉक के टिप के ऊपर जो ग्लैंड लगी होती है वो पीनियल बॉडी कहलाती है, तो ये वहीं पर अटैच्ड है, पीनियल बॉडी के नाम से जानी जाती है, और दोनों हेमिस्फीयर्स के सेंटर में ऑलमोस्ट ये, लेकिन उनसे दबी भी मिलती है। तब करेक्ट ऑप्शन हो गई इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 69 था ये, अब 71 देखें क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। देखिए फिर से नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए, हमारी ब्रेन की ये टेंडेंसी होती है कि वो इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ता है। हम भी हमेशा करेक्ट स्टेटमेंट को ही ढूंढते हैं, तब हमेशा पहले हमें इनकरेक्ट या इस तरह का कोई नॉट मैच्ड या नॉट इनकरेक्ट इस तरह से हो तो हम उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लें। अब ANF, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रिया ऑफ हार्ट, यहाँ से रिलीज होता है, बिल्कुल सही है। एरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होता है, बिल्कुल सही है। मेजर क्वांटिटी एरिथ्रोपोइटिन की किडनी से आती है, स्मॉल क्वांटिटी में ये लिवर से भी निकलता है, और बहुत थोड़ा सा स्प्लीन से भी निकलता है, तो ये तो है ही। तब किडनी जो है इसका ये मेन सोर्स है, किडनी ये एरिथ्रोपोइटिन का मेन सोर्स है, यहाँ से एरिथ्रोपोइटिन किन के पास पहुँचेगा, रेड बोन मैरो के पास, और उस वजह से RBM एरिथ्रोपोइसिस कंप्लीट कर पाएगा। फिर इसके बाद देखिए ऑप्शन सी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है क्या, नहीं, जोना ग्लोमेरुलोसा यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं ये सब मिला करके कहलाते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या कहलाएंगे बच्चों, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, और इसका बेस्ट एग्जांपल एल्डोस्टेरोन। फिर आ जाते हैं जोना फैसिकुलेटा, जोना फैसिकुलेटा इससे निकलने वाले हार्मोन क्या कहलाते हैं, इनको हम नाम देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।
देखो अपन ने क्या पढ़ा था, कॉर्टिकॉइड्स, इसको अपन दो हिस्सों में तोड़ते हैं स्टम को। कॉर्टी वर्ड जो है वो कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से आया है, और ओआईडीएस ये स्टेरॉइड से आया है। तो कॉर्टिकल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले स्टेरॉइडल हार्मोन, तो फैसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं। कोई फेमस एग्जांपल तो याद रखना है कॉर्टिसोल्स, इसका बहुत फेमस एग्जांपल है। ईस्ट्रोजन प्लेसेंटा से निकलता है क्या? बिल्कुल निकलता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जोना ग्लोमेरुलोसा से नहीं निकलते हैं, है ना। एक जोन और बचा है उसको भी देख लेते हैं, जोना ये कहलाता है रेटिक्युलरिस, इससे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं। जोना रेटिकुलरिस, इससे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं। तो देखिए इस हिसाब से इसमें आंसर सी जो है वो करेक्ट हुआ है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। द गैप बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। बिल्कुल ठीक है। साइनेप्टिक नोब, जैसे ये प्री साइनेप्टिक नर्व फाइबर की साइनेप्टिक नोब, और इस नोब में ये आयन गेटेड चैनल्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बॉडीज भी लगी हुई हैं और आयन गेटेड चैनल्स ये यहाँ पर लगे हुए हैं, और इसी पार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और बड़े साइज़ के माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं। फिर इसके बाद ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये कौन सा है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। तब ये यहाँ पर ऐसे मौजूद है, ये रिसेप्टर्स लिए हुए हैं। तब ये जो गैप है इसको नाम देते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहलाएगा? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो दो न्यूरॉन जहाँ पर जुड़ेंगे उनके बीच का जो गैप है, केमिकल साइनेप्सिस में ये प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में नहीं होगा, इसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तब करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। साइटॉन भी नहीं बोलेंगे, एक्सॉन हिलॉग भी नहीं बोलेंगे, साइनेप्टिक नॉब भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये एक ही न्यूरॉन का पार्ट्स होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67, इसको मैच द कॉलम उसके अकॉर्डिंग देखना है। एक कॉलम ए के अंदर कॉकलिया, रेटिना, फोर ब्रेन, ये तीन ऑप्शन है। कॉलम बी में बाइपोलर सेल्स, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, कॉर्पस कैलोसम, वाइट मैटर, हेयर सेल्स, ये यहाँ पर प्रेजेंट हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं हियरिंग डिवाइस कॉकलिया पर। किसकी बात कर रहे हैं? पहले कॉकलिया इसको देख लेते हैं। कॉकलिया के अंदर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल सही है। कॉर्पस कैलोसम होता है क्या? बाइपोलर सेल्स होती हैं क्या? हो भी सकती हैं, तो लेकिन अभी फर्स्ट के साथ हमें बी मानना है। ठीक है, हेयर सेल्स इसके अंदर होती हैं। तो देखिए ये ऑप्शन वन के साथ जा रही है, ये भी ऑप्शन वन के साथ जा रही है। अब आ जाते हैं रेटिना सेकंड। रेटिना आईज की सेंसिटिव लेयर, सेंसरी ट्यूनिक, इसमें बाइपोलर सेल्स हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये सेकंड ऑप्शन के साथ गया। रेटिना में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन नहीं होती, कॉर्पस कैलोसम नहीं होता, वाइट मैटर नहीं होता है, तो टू के साथ ए जाएगा। अब आ जाते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम होता है, बिल्कुल होता है, वाइट मैटर और ग्रे मैटर दोनों होते हैं, तो थर्ड के साथ सी और डी। थर्ड के साथ सी और डी, वन के साथ बी और ई, तब करेक्ट ऑप्शन डी हो गई, है ना। मैच द कॉलम है तो उससे रिलेटेड ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? द स्टर्नम इज द पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना। एक्सियल स्केलेटन, इस स्केलेटन के अंदर देखिए एक तो स्कल आता है,
है ना, स्कल के अलावा कौन आएगा? वर्टिब्रल कॉलम, ये भी इसी का पार्ट है। वर्टिब्रल कॉलम के साथ और कौन आएगा? स्टर्नम, और फिर रिब्स, ये सब मिला करके एक्सियल स्केलेटन कहलाएगा। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स। रिब्स 12 पेयर यानी 24, स्टर्नम 1, वर्टिब्रल कॉलम 26, स्कल 29। तो ये इनके अंदर मौजूद बोन्स हैं, ठीक है। तो अगर अपन इनको सबको जोड़ेंगे तो ये टोटल 80 बोन्स हो जाएंगे। कितनी हो गई? टोटल 80 बोन्स। बी, 5 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट ट्रू रिब्स। अब देखिए, रिब्स को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। रिब्स को हम 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? एक कहलाती हैं ट्रू रिब्स, कितनी होती हैं? 12 पेयर्स, सॉरी ट्रू रिब्स ये कितनी है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ट्रू रिब्स होती हैं 7 पेयर्स, 7 पेयर्स ट्रू रिब्स होती हैं। फिर इसके बाद सेकंड है फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स कितनी है? 3 पेयर्स। फिर फ्लोटिंग कितनी है? 2 पेयर्स। तो 5 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट ट्रू रिब्स, तो इन दोनों को मिलाकर के ये बोल रहा है बिल्कुल ठीक बोल रहा है ना। फिर लिम्स आर द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, बिल्कुल ठीक है। एक्सियल और अपेंडिकुलर दो पार्ट्स में वो हमारे स्केलेटन को डिवाइड करते हैं। लेटरल एक्सटेंशन ऑफ एक्सियल अपेंडिकुलर कहलाएगा। पेक्टोरल गर्डल कनेक्ट्स स्टर्नम टू द फीमर, पेक्टोरल गर्डल कनेक्ट्स स्टर्नम टू द फीमर। पेक्टोरल गर्डल में एक सबसे बड़ी चीज़ स्टर्नम नहीं आएगी। गर्डल जो होते हैं वो पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर होते हैं, स्टर्नम एक्सियल का पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। पेक्टोरल गर्डल स्टर्नम को फीमर से कनेक्ट करता है, ये वाला स्टेटमेंट पूरा रॉन्ग हो गया। फीमर लिम की बोन, स्टर्नम वेंट्रल साइड की बोन। तब देखिए कितने इसमें इनकरेक्ट है वो पहचानना है। तो इसमें एक इनकरेक्ट है, जो डी वाला है वो इनकरेक्ट है। दोस्तों इसमें आंसर में करेक्शन आएगा, हाउ मैनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तब इसमें जो डी ऑप्शन है वो पेक्टोरल गर्डल स्टर्नम को फीमर से कनेक्ट नहीं करती, पेल्विक गर्डल इसके साथ फीमर जुड़ेगी, तब इसमें हमें करेक्शन करना है। तो ये याद रखना है, करेक्शन इन आंसर गिवन क्या है? गिवन है ए, तब करेक्ट क्या हो गया इसमें? करेक्ट हो गया बी, क्योंकि डी स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। तो हाउ मैनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो डी वाली जो है वो इनकरेक्ट है।
तो दोस्तों इसमें करेक्शन है, याद रखना है आपको, है ना। फिर एनटीए में आंसर्स में करेक्शन आ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम ये करेक्शन को मार्क कर लें, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही आंसर जो है वो सभी जगह पर सही होगा, चाहे वो एनटीए में पूछा जाए, चाहे अपनी बुक्स के अंदर हो, कहीं पर भी हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट एंड द काइंड ऑफ मसल टिश्यू दैट मूव्स इट। तो कौन सा बॉडी पार्ट है जिसको जो पर्टिकुलर मसल जो है वो मूव कराती है? तो बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म, स्मूथ मसल फाइबर्स, ये तो रॉन्ग हो गया है ना, ये स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं। एब्डोमिनल वॉल स्मूथ मसल से मिलकर के बनी होती है, अभी देख लेते हैं। और आयरिस इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स का एग्जांपल है, तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स का एग्जांपल है, बिल्कुल ठीक है। हार्ट वॉल इनवॉलेंट्री अनस्ट्राइटेड मसल, तो ये भी रॉन्ग है। एब्डोमिनल वॉल में स्केलेटल मसल्स सेगमेंटल एब्डोमिनल मसल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म स्केलेटल मसल होती है, तो आयरिस जो है वो इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स है, ठीक है। ये भी याद रखना है, आयरिस की जो मसल्स होती हैं वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की मसल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इसको देखते हैं। डैश ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यूज इन आर बॉडीज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय न्यूरोग्लिया, एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज़, मोर देन 50% लिखा है वहाँ पर, तो सही आंसर आंसर भी सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर ऑफ फ्रेश वाटर वेराइटी ऑफ फिश, पेयर में फ्रेश वाटर फिश को हमें पहचानना है। रोहू फ्रेश वाटर है क्या? बिल्कुल सही है। कैटला कैटला फ्रेश वाटर होती है। मैकेरल ये मेरीन है। पॉम्फ्रेट मेरीन। बॉम्बे डक मेरीन। तो रोहू एंड कैटला ये दो ही फ्रेश वाटर फिश हैं, ये हमें याद रखना है ना, एनसीईआरटी बेस्ड ही ये क्वेश्चन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 58। सेलेक्ट द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू अमेरिकन कॉकरोच, यानी पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। हेड रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी का होता है क्या? नहीं, हेड तो मूव करता है। स्पायरिकल्स 12 पेयर्स होते हैं क्या? तो 2+8 यानी 10 पेयर्स स्पायरिकल्स के प्रेजेंट होते हैं। मेलपीगन टिब्यूल्स 50 से 60 नंबर में है क्या? मेलपीगन टिब्यूल्स, ये हमने नीट एनटीए में ही क्वेश्चन देखा, 100 से 150 होते हैं, है ना, एनटीए टेस्ट 50 के अंदर ये क्वेश्चन था, 100 से 150 नंबर। एनल स्टाइल्स स्टर्नम ऑफ 9th एब्डोमिनल सेगमेंट, बिल्कुल ठीक है, उससे निकले हुए ये प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम एनल स्टाइल्स कहते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। तो ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है ये 10 पेयर्स हैं, सही आंसर क्या आएगा इसमें, 10 पेयर्स। हेड की रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, फ्री मूवमेंट ऑफ हेड ये प्रेजेंट है, तब डी ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल सही मैच कर रही है, याद रखना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ये जो ऑप्शन है ये एनसीईआरटी की नहीं है, ये ऑप्शन एनसीईआरटी के बाहर से आई है। एनल स्टाइल का सेगमेंट नंबर एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो याद रखना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आंसर इसमें डी आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज इज टेकन अप बाय सम एनिमल्स टू अवॉइड डिटेक्शन ऑफ प्रीडेटर्स, म्यूटेशन, प्रीडेटर से बचने के लिए म्यूटेशन लॉन्ग टर्म इफेक्ट में काम कर सकता है, हाथों हाथ तो नहीं करेगा, उस जनरेशन में तो नहीं करेगा। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, प्रीडेटर से बचने का एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। देखिए इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन,
इससे भी प्रीडेटर से बचाव नहीं होगा, कैमोफ्लेज उसको शो करनी पड़ेगी तब वो प्रीडेटर से बच पाएगा। तब आंसर डी जो है वो करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच सीक्रेट्स मेलाटोनिन इज लोकेटेड एट डॉर्सल साइड ऑफ ब्रेन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमन। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। ट्रांसजेनिक मॉडल्स आर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन कार्डियक डिजीजेस। नहीं नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसके लिए इसको यूज़ किया गया है ना। ट्रांसजेनिक काउ रोजी विच प्रोड्यूसेस हाई फैट मिल्क फॉर मेकिंग घी। नहीं, प्रोटीन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन को इसमें बढ़ाया गया है। एनिमल्स लाइक बुल्स फॉर फार्म वर्क एज दे हैव सुपर पावर। नहीं, ऑक्स को यूज़ किया जाता है ना, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर ए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए ये डायग्राम दिया गया है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन एक्टिव रोल इन द RAAS मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या नाम है इसका, इस सिस्टम का? रेनिन एंजियोटेंसिन फिर एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो देखिए इसमें रेनिन का सोर्स क्या है? रेनिन का सोर्स ये किडनी को जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही हैं, एफरेंट आर्टेरियोल, उसकी वॉल से निकलेगा। जेजी सेल्स वो कहलाती हैं, वहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल की। तो इसका सोर्स, रेनिन का सोर्स किडनी, यानी डी। रेनिन इसका सोर्स डी है। एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन प्लाज्मा प्रोटीन है, इसका सोर्स कौन है? इसको लिवर रिलीज करता है। एल्डोस्टेरोन को कौन रिलीज करेगा? ए, यानी एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो रेनिन के लिए देखो ऑप्शन डी करेक्ट है, एल्डोस्टेरोन के लिए ए। तो ए एंड डी ये फोर्थ ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसमें डी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, देखो फिर से नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई, तो हमें इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना है। ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली फॉर देयर फूड एंड नीड्स। सारे तो नहीं होते हैं, है ना, तो नहीं तो फिर फूड चेन नहीं बनती। डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन और फूड वेब। बिल्कुल ठीक है। दोज एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी कार्निवोर्स फॉर फूड आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अंडरस्टूड है, तभी हम उसको बोलेंगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एन इक्वेटिक इकोसिस्टम आर वेरियस स्पीशीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी और हायर प्लांट्स। बिल्कुल ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हैं, ये वाला रॉन्ग हो गया, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते। तब करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर ए। सही आंसर 49 क्वेश्चन का क्या है? ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। इफ़ बर्थ रेट
बराबर बी, डेथ रेट बराबर डी, इमिग्रेशन बराबर ई, ई माइग्रेशन आई, देन चूज द करेक्ट मैच, पॉपुलेशन इज स्टेबल, तब देखो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, कॉलम वन के अंदर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इक्वेशन इज इनवैलिड। देखिए बर्थ रेट और किसी जगह पर जैसे हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन इंक्रीजिंग कंडीशन की, तब देखिए एक तो यहाँ पर बर्थ रेट यानी बी ये हाई होना चाहिए और यहाँ पर आने वालों का नंबर ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए तो इसको अपन कंपेयर कर लेते हैं, किससे ज़्यादा होगा, ये नंबर ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर डेथ रेट से और यहाँ से जाने वालों से, तो B प्लस I ग्रेटर देन D प्लस E, तब करेक्ट ऑप्शन इसमें A आ रही है, यानी A के साथ सेकंड मैच करेगा अगर पॉपुलेशन स्टेबल है तो, यानी बर्थ रेट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की ये कंडीशन, पॉपुलेशन अगर स्टेबल है तो, पॉपुलेशन अगर स्टेबल है तो इसका क्या मतलब है, बर्थ रेट प्लस वहाँ पर आने वाले ये बराबर होते हैं वहाँ पर मरने वाले और वहाँ से जाने वालों से। अगर डिक्रीजिंग है तो D प्लस E का सम B प्लस I से ज़्यादा होगा, तब उस ये अलग अलग ऑप्शंस अगर हम बना लेंगे तो करेक्ट आंसर A आ रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 46, ICSI, ICSI स्टैंड्स फॉर, है ना, ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तब करेक्ट ऑप्शन B, और कोई ऑप्शन इसमें पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा, एनसीईआरटी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बिल्कुल ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स, माइटोसिस मियोसिस दोनों होते हैं। द इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कंटेन लिडिक सेल्स विच सीक्रीट टेस्टोस्टेरोन, लिडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन निकलता है और ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में मिलती हैं। टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स आर कॉल्ड एंड्रोजेंस, देखो सी इसमें ज़्यादा करेक्ट है, है ना, मेल जर्म सेल्स माइटोसिस और मियोसिस दोनों शो करती हैं, अगर सिर्फ माइटोसिस यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, आधा ठीक है। टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये तो करेक्ट है, कैसे इसमें आंसर्स में करेक्ट आए, करेक्शन आएगा करेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट में पूरी तरह से जो करेक्ट नहीं है वो ऑप्शन बी है, बाकी ए तो करेक्ट है ही, टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इस वजह से हम टेस्टीज को क्या लिखते हैं, हम हमेशा इसको पढ़ते हैं, टेस्टीज जो हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, कैसे होते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टीज होते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना है, तो ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं।
तब इसमें आंसर्स में करेक्शन आएगा, तो करेक्शन यहाँ पर आंसर को लेकर के आ रहा है। अगर मैं ऊपर इनकरेक्ट कर देता हूँ तो थोड़ा बहुत बी जो है वो सही आएगा। टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स जनरली टेस्टोस्टेरोन्स कहलाते हैं या एंड्रोजेंस भी कहते हैं, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सही है। तब 42 क्वेश्चन नंबर 42 इसके अंदर करेक्शन है 100%। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ह्यूमन सीमन इज लिक्विड एट इजैकुलेशन बट इट सून कोएगुलेट्स एंड देन अंडरगो सेकेंडरी लिक्विफिकेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश सिक्रीशन रिलीज्ड बाय डैश ग्लैंड्स। तो देखिए जो क्लॉट की फॉर्म में सीमन को रिलीज़ किया गया, उस क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम कंटेंट्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड करते हैं। उनमें फाइब्रिनोलाइजेंस प्रेजेंट होते हैं जो इस कंटेंट को यानी जो सीमन है उस सीमन को वो डिसॉल्व कर देते हैं और वापस लिक्विफाई कर देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर सी हो गई। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल टेक्निक्स यूजेस क्रायोजेनिकली प्रिजर्व्ड स्पर्म। क्रायोजेनिक मतलब लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में प्रिजर्व्ड स्पर्म जो लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से किए गए यानी -195 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इनको प्रिजर्व किया गया, 190 से 195 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको प्रिजर्व किया जाता है, तब करेक्ट ऑप्शन आंसर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, आपको याद होगा ये बहुत अच्छे से। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट्स होमोलॉजी इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। देखिए दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो है थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, दूसरा टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। क्या है ये स्ट्रक्चर, ये कुकुरबिटा के टेंड्रिल दिए हुए हैं, तो कुकुरबिटा का टेंड्रिल और बोगनविलिया के थॉर्न। दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दोनों एक्जिलरी बर्ड्स होती हैं, लेकिन एक का फंक्शन प्रोटेक्शन हो गया, एक का फंक्शन क्लाइंबिंग हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये होमोलोगस ऑर्गन है। एनसीईआरटी बेस्ड बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। एपिस है ना जो हनी भी है उसका जीनस है, बॉम्बिक्स ये सिल्क वॉर्म का जीनस है, क्यूलेक्स मॉस्किटो और लिम्यूलस, तो ये एपिस इंसेक्टा, बॉम्बिक्स इंसेक्टा, क्यूलेक्स इंसेक्टा और लिम्यूलस अरेक्निडा। देखिए किसको बिलोंग करते हैं ये एनिमल्स, हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स, उसको बिलोंग नहीं करते, यहाँ तो इकाइनोडर्मेटा आ रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम तो मोलस्का है, ये मोलस्का के मेंबर ही नहीं है। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमेलिया नहीं है, तो सबसे बड़े ग्रुप के एग्जांपल हैं, तब आंसर ए ये करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस राइवेट्स ऑफ विंग्स आर कंसिडर्ड एज। तो देखिए रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ये पॉल एरिच ने एक हाइपोथेसिस दी थी,
तब देखो ये कीस्टोन स्पीशीज़ के लिए एप्लीकेबल हाइपोथेसिस है, ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, तो इसको आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए ये क्या बोल रहा है, द स्ट्रक्चर दैट रिमेन सेपरेट विद फॉर्मिंग अ लेयर इज नर्वस सेल्स, मसल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स और ग्लैंड्स। देखो एक ही टिश्यू में लेयरिंग नहीं होती है और वो है नर्वस टिश्यू, तो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती हैं वो लेयर्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर सी हो गई। तो ये याद रखना है आपको कि यहाँ पर लेयरिंग बनाने की टेंडेंसी नर्वस टिश्यू की नहीं होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हायर कंटेंट ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मीनिंग क्या है, HbCO, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, HbCO, ठीक है, तो ये एक टॉक्सिक कंटेंट है। ये हमारी बॉडी में कब बढ़ेगा, जब स्मोकिंग ज़्यादा होगी, तो जब टोबैको बर्न होता है तो उस बर्निंग से कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर O2 डेफिशिएंसी कॉज करती है। क्या कॉज करेगी, O2 डेफिशिएंसी। तो स्मोकिंग से कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ अपने आप को अटैच कर लेती है और इस वजह से ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर ए हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बेस्ड ही है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये भी याद रखना है। इस क्वेश्चन पर काफ़ी बार हम लोग बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशन भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट लेबलिंग। देखो दो ब्लड वेसल्स दिए हैं, आर्टरी लेफ्ट साइड पर है, ये रेड कलर से मार्क्ड है, तो ये तो है आर्टरी, इसमें प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये है वेन, आर्टरी और वेन को जोड़ने वाली ये कैपिलरीज हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो इसमें देखो अब ये भी एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, वॉल की स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना है कि जो भी थिक ब्लड वेसल्स, थिक वॉल वाली ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वॉल को हम तीन लेयर्स में डिवाइड करते हैं, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो वेल्व्स अगर हैं तो वो वेन होगी, तो फोर नंबर पर यहाँ पर वेल्व्स को बताया गया है। तो देखिए फोर नंबर पर वेल्व दो तीन जगह पर है ना। फिर इसके बाद देखें ल्यूमन डायमीटर, ये फर्स्ट जो है वो एपिथीलियम है, बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर पर स्मूथ मसल है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड नंबर पर स्मूथ मसल के ऊपर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू की रैपिंग है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ नंबर वेल्व का है, फिफ्थ नंबर कैपिलरीज का है, तो यहाँ तक तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर रही हैं। तो ऑप्शन ए में ये सभी हमें सही मैच करती हुई नज़र आ रही हैं, तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 23 में ये करेक्ट ऑप्शन हो गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग ट्राइकस्पिड वैल्व, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग ट्राइकस्पिड वैल्व, इट हैज़ 3 मस्कुलर फ्लैप्स, बिल्कुल सही है। इट गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ एन यूनी डायरेक्शनल वेल्व, सारी वेल्व यूनी डायरेक्शनल होते हैं, तो डी ऑप्शन इसके अंदर सभी को सही बता रही है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो आंसर डी क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर करेक्ट हो गया। दोस्तों हम RG एकेडमी की तरफ से, मैं डॉक्टर आबिद, ये जो सॉल्यूशन है ये हमारी वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, हम ये जो NT अभ्यास के सॉल्यूशन डाल रहे हैं ये आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक हम लोग टेस्ट में पूछ चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसमें जो पूछे जा रहे हैं वो हमारे टेस्ट में आ चुके हैं।
आपके लिए ये इजी भी है। बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चंस हम किसी ना किसी फॉर्म में या बिल्कुल एज इट इज जैसे ये दिए गए हैं बिल्कुल इसी फॉर्म में ये पूछे जा चुके हैं। तो आप बहुत अच्छे से इन सॉल्यूशंस को देखिए जो हम लोग डाल रहे हैं, ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे। नो डाउट इस लेवल पर हमें अपने आप को तैयार करना है। कुछ क्वेश्चंस इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी हो सकते हैं ना, जैसे वो रिविट हाइपोथेसिस वाला हुआ या इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, है ना। इससे पहले जो डायग्राम था आर्टरीज और वेन का वो भी एनसीईआरटी के बाहर से हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है उतना हमें पता होना चाहिए। तो वैसे ही हमें तैयार भी रखना है अपने आप को, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बहुत अच्छे से जैसे ही आप टेस्ट सॉल्व करते हैं इनको चेक कर लीजिए एक बार, तो पता चल जाएगा जहाँ जहाँ पर करेक्शंस आ रहे हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विद इन एन एंटीजन टू विच एन इंडिविजुअल एंटीबॉडी बाइंड्स इज एज एन। अब देखिए एंटीजन की स्ट्रक्चर को अपन देख रहे हैं, ये सपोज करिए एक एंटीजन है, इस एंटीजन पर बहुत सारे प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं। एंटीजन की क्या ख़ास बात होती है, इस पर बहुत सारे प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं और इन्हीं के साथ एक एंटीबॉडी आकर के जुड़ती है, इनके साथ एंटीबॉडी आकर के जुड़ जाती है। तो देखिए एंटीबॉडी जहाँ पर इनको ज्वाइन करेगी, अब मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ, तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये क्या कहलाते हैं, इनको नाम देते हैं एपिटोप। एपिटोप किसका पार्ट है, एपिटोप एंटीजन का पार्ट होते हैं। अब ये जो मैंने बनाई है ये क्या है, ये एंटीबॉडीज़ हैं। वाई शेप जो है वो एंटीबॉडीज़ हैं, ये दो एंटीबॉडी मैंने यहाँ पर बनाई है। तो देखिए एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट एपिटोप को ज्वाइन करता है, तो एंटीबॉडी के पास बिल्कुल एपिटोप की सप्लीमेंट्री या बिल्कुल मैच करता हुआ पैराटोप होता है। तो पैराटोप एंटीबॉडी की कैरेक्टरिस्टिक और एपिटोप एंटीजन की कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। एंटीजन हमेशा एपिटोप लिए भी होता है, एंटीबॉडी के पास पैराटोप होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मतलब एपिटोप पैराटोप रिएक्शन, ठीक है। तब करेक्ट ऑप्शन आंसर बी है। सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से इसको आंसर करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो सूट्स फॉर, फर्स्ट देखिए, ए प्रोटेक्टिव शेल पजेज अ प्रोटेक्टिव शेल और एग्जोस्केलेटन, बिल्कुल ठीक है। स्मॉल साइज ये भी ठीक है, एबिलिटी टू फ्लाई ठीक है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स क्विकली, यानी पॉपुलेशन बर्स्ट देखने को मिलता है जैसे ही फेवरेबल सीजन होता है। तो एग्जोस्केलेटन बर्ड्स में भी होता है, स्मॉल साइज होता है क्या बर्ड्स का, नहीं बर्ड्स तो बड़ी होती हैं। रेप्टाइल्स में एग्जोस्केलेटन होता है क्या, बिल्कुल होता है। स्मॉल साइज होता है क्या, नहीं रेप्टाइल्स भी बड़े बड़े होते हैं। मैमल्स में एग्जोस्केलेटन है, बिल्कुल है, जिसको बॉडी हेयर कहते हैं। स्मॉल साइज है क्या, नहीं ज़्यादातर मैमल्स तो बड़े साइज के होते हैं। तो इंसेक्ट्स के ऊपर ये बिल्कुल सही अप्लाई हो रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी पिछले टेस्ट में ही जो सॉल्यूशन हमने डाला है उसमें एक क्वेश्चन था कि यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर कॉज होता है स्मोकिंग से, तो ये उसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्टिव हैबिट कुड लीड टू डेंजर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर थ्रोट एंड लंग कैंसर। तो याद रखना है दोस्तों स्मोकिंग से ये होता है। तो टार की ये कैरेक्टरिस्टिक है, टार किसका, जो स्मोक होता है उसमें जो कंटेंट मिलता है उसे हम टार कहते हैं, जो बहुत सारे केमिकल का हार्मफुल केमिकल का एक मिक्सचर है। तब करेक्ट ऑप्शन, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। फोर्सिबल पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन अकर्स इन, तब देखिए
शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्सिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस तो स्मूथ मसल के मूवमेंट को बोलते हैं। स्मूथ मसल यूट्रस में होती है क्या? यूट्रस में होती है। फैलोपियन ट्यूब में है क्या? फैलोपियन ट्यूब में भी होती है, लेकिन इंटेस्टाइन में ये मूवमेंट्स फूड को आगे ले जाने के लिए होते हैं। तो फोर्सिबल मूवमेंट हमें पेरिस्टाल्सिस का निकालना है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है और इंटेस्टाइन वाला, अदरवाइज पेरिस्टाल्सिस फैलोपियन ट्यूब में भी होता है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट जो है वो इंटेस्टाइन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, पेरिकार्डियम क्या है? डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग है, सिंगल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग है, डबल वॉल्ड कार्टिलेजिनस कैविटी है, डबल वॉल्ड सिलोमिक कैविटी है। देखिए जो ऑप्शंस इसमें दी गई हैं उसमें ए बिल्कुल करेक्ट है, सिंगल वॉल होती नहीं है, डबल वॉल्ड कार्टिलेजिनस नहीं होती, डबल वॉल्ड सिलोमिक नहीं होती। तब पेरिकार्डियम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हार्ट की सराउंडिंग में और डबल लेयर स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए अब इनकरेक्ट को अपने को पहले से हाईलाइट कर लेना है। रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन, इट इज़ रेड कलर पिगमेंट, बिल्कुल ठीक है। इट कंटेन्स आयरन, ये भी सही है, हमें इनकरेक्ट पहचानना है तो दो तो करेक्ट हैं। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी, ये भी ठीक है। इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन इरिवर्सिबली, नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन दे भी सकता है, ऑक्सीजन जोड़ भी सकता है। तब ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है और वही सही आंसर भी हुआ है। देखिए अब अ डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजेज, देखो अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया है, तो हुआ क्या है, पी एटमॉस्फेयर ये इंक्रीज कर गया है प्रेशर ऑफ इंट्रापल्मोनरी से आईपी से, तो एयर अंदर की तरफ आएगी, हाई से लो प्रेशर की तरफ एयर एंटर करेगी। ठीक है, तब इसको हम नाम देंगे इंस्पिरेशन, क्या बोलेंगे इसे, इंस्पिरेशन, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए ये पूरी तरह से करेक्ट है, एक्सपिरेशन में बिल्कुल इसका उल्टा होगा। एक्सपिरेशन में क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। ये जो प्रेशर है कौन सा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये इंक्रीज कर जाता है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और इसकी वजह से ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। इसको हम क्या नाम देते हैं, ये कहलाता है एक्सपीरेशन। तो यहाँ पर ये एक्सपीरेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आंसर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए मैचिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। मैंने कुछ बैचेस के अंदर सेल डिवीजन पढ़ाया तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ। देखिए टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और प्रोफेज, तब प्रोफेज ये इंटरफेज के ठीक बाद में आती है, तो ये मैच कर रहा है वन के साथ, है ना, किसके साथ मैच कर रहा है, वन के।
मेटाफेज ये साइटोकाइनेसिस, इसमें तो ये इसी के साथ मैच कर रहा है। एनाफेज देखते हैं, ये बिल्कुल सही है, डिसजंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इसको ये बता रहा है, और ए अपन डिस्कस कर चुके हैं, ए जो है वो मिडिल ऑफ द माइटोसिस, देखिए इस क्वेश्चन को मैं बाद में डिस्कस करूँगा, है ना, थोड़ा सा इसमें एक आध स्टेज को लेकर के ऊपर नीचे हो रहा है, तो वैसे ही मनोज सर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, है ना, तो मैं बचने के लिए ये बोल रहा हूँ। फिर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इनकरेक्ट यहाँ पर फिर से हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है दोस्तों कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट को मैंने पहले से अंडरलाइन कर दिया। मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ये एनसीईआरटी में ही गिवन है, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अभी तक हम पहचान चुके हैं, 230 स्ट्रेन से ये याद रखना है। इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड, बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट, सम की टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पॉलीमरेज एंजाइम लाइगेज वेक्टर्स एंड होस्ट रूट सिस्टम, ठीक है, अलग अलग जो टेक्स्ट है उसके अंदर ये यूज़ होने वाले कंटेंट्स हैं। डी देखिए, इको आर वन कट द डीएनए बिटवीन बेसिस ए एंड टी ओनली व्हेन द सीक्वेंस जी डबल ए डबल टी सी इज प्रेजेंट इन द डीएनए, तो इको आर वन जी ए ए टी टी सी, इसमें जी और ए के बीच में काटता है, ये इको आर वन की निकिंग साइट है। तब डी ऑप्शन इसमें रॉन्ग दी हुई है, तो वही करेक्ट आंसर भी हो गया। एक आध फैक्ट इसमें एनसीईआरटी के बाहर से है तो हमें याद रखना पड़ेगा उसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, जेनेटिकली ऑल्टर्ड बैक्टीरियम यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन इज, तो देखो याद रखना है ऑयल स्पिल्स को हटाने के लिए एक इंडियन साइंटिस्ट की एक बहुत अच्छी रिसर्च है, इंडियन साइंटिस्ट की ये रिसर्च है, क्या है ये ऑयल स्पिल को हटाने की एक बहुत अच्छी एक रिसर्च, जो टैंकर से सी के अंदर ऑयल गिर जाता है उसको हटाने के लिए सुडोमोनास पुतेदा इसको यूज़ किया जाता है, तो सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, इसको इसी वजह से सुपर बग भी नाम देते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, बस वो डायग्राम वहाँ पर काफ़ी गंदा है तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एक में थोड़ी मोटी गांठें दी गई हैं और राइट हैंड वाला जो है वो क्लीन रूट का है, तो देखिए जो ए का रीज़न है वो मिलेटोगाइनी इनकॉग्निटा है ना, मिलेटोगाइनी इनकॉग्निटा जिसको करेक्ट किया गया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इसके टीआई प्लास्मिड का यूज़ करके उसको हार्मलेस बनाने के बाद हमने इसको करेक्ट किया है, तो ये याद रखना है इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, तो ए लेफ्ट वाले डायग्राम का जो रीज़न है वो डी सी है, सी है कौन सा है, मिलेटोगाइनी इनकॉग्निटा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, इफ एलियन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग साइल वन इन पी बी आर 322
देन ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो ऑन. तब देखिए ट्रांसफॉर्मेंट्स जिनको सेल में डाला जा चुका है वो हमने PBR322 बैक्टीरिया की साल वन यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पर हम क्या कर रहे हैं, हम उस साइट पर ये इंट्रोडक्शन कर रहे हैं PBR322. ये टेट्रासाइक्लिन PBR322 हमें पता है एक वेक्टर है और इस वेक्टर की क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. इस वेक्टर में हमें दो मार्कर साइट्स मिलती हैं, सेलेक्टेबल मार्कर साइट्स. और ये जो मार्कर साइट्स हैं ये मार्कर साइट्स दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ होती हैं. कौन कौन से? एक रिकॉम्बिनेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सेल वन साइट पर, सेल वन साइट किसके पास है, एम्पिसिलिन के पास या टेट्रासाइक्लिन के पास? तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है सेल वन, इस पर हमने रिकॉम्बिनेशन किया है. तो इस साइट की कैरेक्टरिस्टिक यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इसकी ख़त्म हो गई है. मतलब अब ये बैक्टीरिया, ये जो प्लास्मिड है इसमें सेल वन साइट पर यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पर, देखो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट, वहाँ पर ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, इस पर दो मार्कर साइट्स हैं, मतलब दो RE साइट्स हैं. एक है बाम H1 और दूसरी कौन सी है, दूसरी है SAL1. ये दो साइट्स हैं. हमने सेल वन को यूज़ करके यहाँ पर इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को खो दिया, यानी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन सेल वन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट की वजह का हो गया, है ना. तो अब इस बैक्टीरिया को हम जब टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में उगाएंगे तो देखिए इसके पास रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं है तो टेट्रासाइक्लिन की वजह से ये किल हो जाएगा, तो वहाँ पर नहीं उग पाएगा. लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट पर, क्योंकि वो साइट अभी काम कर रही है, तो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में हम अगर इसको ग्रो करवाएंगे तो वहाँ पर ये सक्सेसफुली ग्रो करेगा. क्यों? क्योंकि जो दूसरी मार्कर साइट है, कौन सी, ये मार्कर साइट जो सेकंड वाली है, ये टेट्रासाइक्लिन थी जहाँ पर हम ये एक्सपेरिमेंट करा रहे थे, तो दूसरी मार्कर साइट PST1 और PVU1 वाली, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट है जो बिल्कुल इंटैक्ट है. तो एम्पिसिलिन अपना काम करेगी और इस वजह से बैक्टीरिया सक्सेसफुली एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में उगेगा, ग्रो करेगा. तब करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 6 है. देखो देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, PBR322 की जो RE साइट्स हैं उनकी पोजीशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है. कौन कौन सी RE मार्कर साइट्स के ऊपर हैं, कौन कौन सी RE साइट्स मार्कर साइट्स के बाहर हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पोजीशन बेस्ड RE की क्वेश्चन आ जाता है जैसा ये है तो थोड़ा सा हमें रिकॉल करना, क्योंकि हम इसको सिर्फ नाम याद कर रहे हैं, कौन सी कहाँ पर है वो नहीं देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए टफ हो सकता है. तो इसलिए हमें पोजीशन के अकॉर्डिंग ही इन मार्कर्स को, RE साइट्स को याद रखना है. देखिए अब अ पॉलीसेकेराइड ऑफ कार्टिलेज इज क्या है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, याद रखना है दोस्तों, ये NCERT के बाहर है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट. अच्छा क्वेश्चन है ये, नए वाले में NCERT में शायद हो सकता है ये करेक्शन में आ गया हो, लेकिन ये मैट्रिक्स का एक मेजर कंपोनेंट है कार्टिलेज के, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट. ये करेक्ट आंसर ए है. तो पॉलीसेकेराइड ऑफ कार्टिलेज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के नाम से ये जाना जाता है. अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है देखिए,
फ्रूट जूसेस अवेलेबल कमर्शियली एज क्लियरर देन वंस विच आर होम मेड विच इंग्रेडिएंट इज एडेड टू कमर्शियली अवेलेबल फ्रूट जूसेस। तो फ्रूट जूस जो घरों में हम बनाते हैं वो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसमें फाइबर्स होते हैं और वो फाइबर्स उसकी ट्रांसपेरेंसी को ख़राब करते हैं। लेकिन मार्केट से जो हम जूस खरीद के लाते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्रेक्टिनेज और प्रोटीएज ये दो एंजाइम्स उसके अंदर डाल दिए जाते हैं जो तैरने वाले फाइबर्स को डिसॉल्व कर देते हैं, इस वजह से उनकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है, एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है। दोस्तों ये मैंने आपको पूरा अभी जो अपन ने डिस्कस किया है ये क्या है, एनटीए टेस्ट कौन सा अभ्यास टेस्ट नंबर 55 ये मैंने डिस्कस किया है। इसमें एक दो जगह पर करेक्शंस भी हैं तो वो आपको बहुत बहुत अच्छे से याद रखना है, उन करेक्शंस को बिल्कुल ढंग से अपने को पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हों, सारे ही आंसर जो इसमें दिए गए हैं वो करेक्ट हों। तो हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से रॉन्ग हो सकते हैं। तो देखिए ये लगातार आप देखते रहिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये बहुत बहुत अच्छा है कि आप अच्छे से इसको समझिए पढ़िए। और ये जो करेक्शंस हैं ये याद रखने हैं, अपन डिस्कस तो करते ही हैं, ऐसा ही हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट बाकी अगले टेस्ट में यानी कल अपन मिलते हैं।